तो दोस्तों, एसएस राजामौली की धमाकेदार फिल्म ट्रिपल आर को लेकर काफ़ी समय से चर्चा है और इसको लेकर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रामचरण जूनियर एनटीआर नज़र आने वाले हैं। बाहुबली निर्देशक की इस फिल्म में वो तगड़ा एक्शन करते नज़र आएंगे। लेकिन इस फिल्म को लेकर अब जो खबर सामने आ रही है उसको सुनकर आप दुखी हो जाएंगे। खबर है कि इसकी रिलीज डेट फिर से पोस्टपोन की जा चुकी है। अब फिल्म निर्धारित डेट पर रिलीज नहीं होगी। ट्रिपल आर फिल्म रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है। अब ये फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज नहीं होगी। नई रिलीज डेट काफ़ी जल्दी सामने आएगी, लेकिन अब ये फिल्म 2022 में रिलीज की जाएगी। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। इस फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन और आलिया भट्ट का भी शानदार रोल है। ये फिल्म प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू के युवा जीवन पर एक काल्पनिक कहानी है। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ सहित कई अन्य भाषाओं में रिलीज होने के लिए तैयार है। ट्रिपल आर भारत की सबसे बड़ी फिल्म है और इसमें ऐसी स्टार कास्ट है जो सभी भाषाओं से हैं। डीवीवी दानियान द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट बैनर के तले निर्मित फिल्म का निर्माण 450 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर किया गया है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप रामचरण और जूनियर एनटीआर अजय देवगन के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।